पार्ट दो, ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में सुबह से ही कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का भोली सूरत का दुबला पतला गरीब लड़का। उसके पिता पिछले साल हैजे से मर गए थे और माँ न जाने क्यों पीली होती गई और फिर एक दिन वह भी मर गई। किसी को पता भी नहीं चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बू पैसे कमाने गए हैं, अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद खुश है। हामिद के पांवों में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। आज उसका बेटा होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? लेकिन हामिद, उसके अंदर एक प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो ना जाए। 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते करते घंटों लग जाएंगे। गांव से मेला देखने लोगों का हुजूम चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, बैंक, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं, कई प्रकार की मिठाइयां। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौने की दुकानों पर लड़कों का धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, केवल 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, नूरे वकील, महमूद सिपाही और सम्मी धोबिन। हामिद ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देखता है और फिर अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकना चूर हो जाएं। वह खिलौने नहीं खरीदता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। सभी मजे से खाने लगे। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद बोला, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? उसकी बात सुनकर सम्मी ने कहा, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? हामिद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ भी लेकर नहीं खाता है। फिर कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। हामिद लोहे की एक दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी।
फिर अड़ोस पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। पूरे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे चला गया, तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर 3 पैसे में ही चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। साथियों ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने अपनी चतुराई से सबको जता दिया कि उसका चिमटा सबसे अच्छा है। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए। घर आने पर अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा नाच समझ लड़का है। दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? दादी गुस्से में बोली। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। भोला आमिद इसका रहस्य क्या समझता।